लखीसराय में भीषण सड़क हादसा में मारे गए लोगों का शव पहुंचा उनके घर मुंगेर, जहां शव पहुंचते ही लोगों का फूटा आक्रोश। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर किया सड़क जाम और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। मौके पर पहुंचे एसडीओ डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस लोगों को समझाने में जुटी। दरअसल बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा में मारे गए 9 लोगों में 8 मृतक मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर नया टोला का रहने वाला है, जहां आज सभी 8 मृतक का शव गांव पहुंचते ही शव के साथ ग्रामीणों ने जमालपुर धरेरा मुख्य मार्ग को जांगीरा पुल के समीप जाम कर दिया। साथ ही आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क पर आगजनी कर दिया गया। लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से सरकारी योजना का लाभ सहित अन्य तरह की मुआवजे की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सदर एसडीओ और डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंच मोर्चा को थामते हुए आक्रोशित परिजनों से बात की और मांग को सुन तुरंत अमल करते हुए पारिवारिक लाभ के द्वारा दी जाने वाली राशि को मुहैया करवाया और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने जाम को तोड़ा। वहीं इस मामले में एसडीओ ने बताया कि घटना काफ़ी दुखद है, जिला प्रशासन को संवेदना मृतक के परिजनों के साथ है। इन लोगों को जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा वह दिया जाएगा, जिसके बाद जाम को तोड़ा गया है। जो मृतक है उसको रोजगार मिले, जिसके घर में ज्यादा संख्या है मृतक का उसको रोजगार मिले और मुआवजा मिले। हाँ, इसलिए आप लोगों ने अभी सड़क जाम किया। सड़क जाम कैसे टूटेगा? सड़क जाम मुआवजा डीएम साहब आकर के आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन देते हैं। हाँ, तो हम लोग जाम तोड़े। ठीक है, घटनास्थल पर डीएम को बुलाने की मांग भी आपने। क्या नाम है आपका? ठीक, पीड़ित परिवार को ये तो बहुत दुखद घटनाएं हैं, इसमें कोई भी आश्वासन क्या कर सकता है। लेकिन जो सरकार के प्रावधान हैं, लोगों को जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको जितनी भी तरह की सहायता देनी है वो हम लोगों ने देने का सुनिश्चित किया। कुछ तो हम लोगों ने दे भी दिया, जो तुरंत हम लोगों को सहायता राशि दी जानी थी मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, सभी अंत्येष्टि योजना इत्यादि का। साथ ही हम लोगों ने जो दुर्घटना के जो दुर्घटना का मुआवजा के रूप में मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसको भी हम लोग प्रोसेस करके सारे लोगों को, सभी लाभ को, सभी पीड़ित परिवार के जो आश्रितों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ससमय उपलब्ध कराएंगे। साथ में ही बातचीत और यहाँ जब हम सुबह ही आए हैं, सुबह से ही आए हुए थे तो देखा कि काफ़ी जो है लोग जो है गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, जो आर्थिक रूप से दूसरे पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके लिए आवास इत्यादि जो भी सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, हम लोगों ने उसके बारे में भी साथ ही साथ सुनिश्चित किया है कि वो भी हम लोग उनको मुहैया कराएंगे। जाम में तो सब लोग स्वेच्छा से इनकी कुछ मांगे थी तो हम लोगों से बातचीत करके इन्होंने कहा और हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि जितने भी नियमानुसार सरकार के प्रावधान के अनुसार कार्य है सारा कुछ आप लोग का कराया जाएगा। जो इससे घायल है, घायलों के इलाज, घायलों का इलाज जो है पीएमसीएच में चल रहा है। वहाँ जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय और लखीसराय के जिलाधिकारी महोदय भी और माननीय सांसद महोदय से भी वार्ता हुई थी फोन पर। उन लोगों के द्वारा भी वहाँ के अधीक्षक महोदय को निर्देश दिए गए हैं कि उनको सबसे जो सुचारू रूप से और तत्काल जितनी भी तरह की सुविधाएं हो सकती हैं चिकित्सा की उनको मुहैया कराई जाए और वो कराया भी जा रहा है। सर क्या जो मृतक है सर यहाँ जो वार्ड नंबर 35 के है मुख्य रूप से, एक अन्य वार्ड के भी 36 के भी हैं जो हम लोग की सूचना। थैंक यू सर।